ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व बफ विकास निगम के अध्यक्ष रहे आविद रजा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 में मुलायम सिंह अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तथा इसके बाद आजम खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जब उनसे इस मामले पर पूछा तो उन्होंने कहा कि जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये क्यों नहीं। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता समझदार है, जिस तरह से बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है और जो पब्लिक है वो बहुत परेशान है, इसलिए जनता चाहती है कि देश में सपा की सरकार आएगी तो दोनों खामियाओं का खात्मा होगा तथा दुआएं से तकदीर बदलती है, इसलिए हिंदुस्तान की आवाम की दुआओं पर मुझे यकीन है। अल्लाह ताला इन दुआओं से मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री तथा आजम खान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएगा। इनके साथ गरीब मजदूर किसान बेरोजगार महिलाओं की दुआएं हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में मुलायम सिंह अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तथा इसके बाद आजम खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता खुद तैयार है। जाहिर सी बात है कि एक हक मुसलमानों को बनता है, बड़ी पोस्ट नेताजी को माननीय अखिलेश यादव जी को, और उसके बाद की अगर नंबर दो की कोई पोस्ट है तो उस पर माननीय आजम साहब का हक इसलिए बनता है क्योंकि मुसलमान समाजवादी पार्टी का बेस वोट है।